दोस्तों आप देख रहे हैं किशोर झुंझुनवाला विद राजज्ञानी पार्ट 4। इस वीडियो को देखने से आप जान पाएंगे सिक्के और नोट में फर्क है, नोट कई मायने में कैसे बहुत अच्छा है और कई मायने में बहुत खराब है कैसे। आइए जानते हैं इस वीडियो में पेपर मनी कलेक्शन हॉबी के जनक किशोर झुंझुनवाला जी से। इसके पहले हम किशोर झुंझुनवाला जी के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हों तो हमारा आग्रह है आप उन्हें भी अवश्य ही देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए अब आगे सुनते हैं किशोर झुंझुनवाला की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर अच्छा हुआ तो सब सिक्के सिक्के करते थे, तो मैंने ये सोचा सिक्के और नोट में फर्क है, क्योंकि सिक्के क्यों चल रहे हैं, नोट में कोई क्यों नहीं पड़ता है। तो सदाजी नोट जो है वो सिक्के से कई मायने में बहुत अच्छा है और कई मायने में बहुत खराब है। देखिए क्या होता है कि पहले इतना बड़ा डिनोमिनेशन का ट्रांजेक्शन ही नहीं होता था कि आदमी को 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कहीं लेके जाना है, और लेके जाना था तो साथ में बैलगाड़ियां जावे, उसका भाड़ा लगे, साथ में सिपाही जावे, और 1 लाख रुपया पहुंचाना तो उसके ऊपर 500 रुपया खर्चा, क्योंकि रास्ते में चोरी होने का डर, खून खराब होने का डर। नोट में आप 10,000 का नोट छापो, अंटी में दबा लो, धोती की अंटी में खोस ले, किसी को मालूम ही नहीं, न कोई वजन लगे, न ट्रांसफर में पैसा लगे, कुछ नहीं लगेगा। पर नोट कागज का दीमक खाती है और जल जाता है और गल जाता है पानी में भीग गया तो। सोना गलता नहीं, हजारों बार के नदी में अभी निकलते हैं, तो प्लस माइनस दोनों में है। नोट की सरकार गई तो तुम्हारा पैसा जीरो, कॉइन की सरकार गई तो मेटल का पैसा है, सरकार चाहिए ही नहीं सरकार, और सरकार कौन है, कोई सरकार है ही नहीं कि नोट कॉइन वापस लेके बदली करती है, वो वापस आता ही नहीं है, वो तो मेटल की वैल्यू बड़ी गिरा दिया, नहीं तो घर से घर से खत्म, न तो नंबर भी नहीं होता, न सिग्नेचर होती है, क्योंकि क्योंकि लोग सरकार ने नोट कॉइन इशू करने वाले ने आपको उसकी वैल्यू दे दी, क्यों प्रॉमिस करेगा कि आई प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज, और नोट में वैल्यू है ही नहीं तो साला प्रॉमिस करता आई प्रॉमिस यू 10 रुपीज, मतलब ये नोट 10 रुपीज नहीं है, अगर नोट पे लिखा है 10 रुपए नहीं प्रॉमिस करता हूँ, मतलब ये तू खुद नहीं है, आप समझो अंदर की बात समझो, तो आप जो खीसे में डाल रहे हो 10 रुपए नहीं है, 10 रुपए की प्रॉमिस नहीं होता, रुका है आपको 10 रुपए कोई देगा, कौन देगा, कौन जाता है, कोई नहीं जाता, आपस में वो बदली करते रहते हैं। सर आपसे बीच में मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि काफी दिनों से हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसका जवाब नहीं दिया है हमने अभी तक, और हमने कहा था कि हमें एक सही व्यक्ति से हम आपको इसका जवाब दिलवाना चाहते हैं, तो हमारी नज़र में सही व्यक्ति इस संसार में आप ही हैं जो इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं कि 1 रुपये के नोट पर नहीं लिखा रहता है कि मैं शपथ देता हूँ कि 1 रुपये का आपको वचन देता हूँ, बाकी सभी नोटों पे लिखा रहता है, तो ऐसा क्यों है, 1 रुपये के नोट पर क्यों नहीं लिखा रहता? पहले तो क्या था, ये 1 रुपये तक के सिक्के चलते थे जी, जब सबसे पहले नोट का कंसेप्ट आया इंडिया में 1770 में आया, और 1770 से 1918 तक का कोई रिकॉर्ड कहीं है नहीं, कोई कॉइन है ना, कोई किताब, कोई रिकॉर्ड कहीं अभी तक नहीं चेस हुआ, और सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुली थी, और शुरुआत में नोट निकले 16 रुपए के और 4 रुपए के और 8 रुपए के और 500, 1000, 100, 200, 250 निकले, तो वो जो नोट सबसे पहले निकले उन नोटों का काम क्या था, क्यों निकले, वो कॉइन को रिप्लेस करने निकले। तो क्या था, ट्रेवलिंग को जाना है मेन काम, तो एक सोने की मोहर तू रख दे और 16 रुपए का नोट देगा। दर्शकों बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, किशोर भाई का घर जिस जगह पे है वहाँ पे अभी बाहर मोर बोल रहे हैं, चिड़ियाएं चहचहा रही है, चीलें उड़ रही है, दिखाइए जरा बाहर। सर मोर आपने पहचान भी लिया?
यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो द करेंसीपीडिया पेज को फॉलो कर लें, और यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द करेंसीपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भेज पाएँ और आप देख पाएँ हमारे वीडियो सबसे पहले। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपना प्यार लाइक एवं शेयर के द्वारा प्रदर्शित करें, और हमारी हौसला अफजाई आपके कमेंट के द्वारा करें, ताकि हमें भरपूर एनर्जी मिले आपके लिए मज़ेदार और ज़ोरदार वीडियो बनाने के लिए। बहुत ही जल्द पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में।